अभी आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद वैशाली आदरणीय श्रीमती बीना देवी जी आई हुई हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम में आप आए हैं, कैसा लग रहा है, कुछ संदेश? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम होने के बाद बताएंगे जो कैसा लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भटौलिया गांव में, सरैया मुजफ्फरपुर में, जहां आज एमबीआरआई परिसर में बिहार कृषि महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है और साथ में भगवान जान के सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं काउंटर नंबर एक पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, निबंधन किया जा रहा है और यहाँ काउंटर नंबर एक पर परासर हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। काउंटर नंबर दो, स्टॉल नंबर दो पर देख रहे हैं जिला आयुष समिति मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित योग और प्राकृतिक यूनानी चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क औषधि वितरण और प्राकृतिक आहार जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार दास जी के द्वारा नेतृत्व में यहां पर पूरी टीम मुस्तैदी से दे रही है और इसी प्रकार से काउंटर यहां लगा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, आइए देखिए किस तरह से विकलांग लोग भी इस कार्यक्रम में आ रही हैं, शिरकत कर रही हैं, एक से एक वीआईपी यहाँ आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वागत के तमाम तरह के इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। और स्टॉल नंबर तीन पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आईटीसी मार्च के द्वारा एक ई चौपाल लगाया गया है। क्या है आपकी विशेषता, क्या कुछ कार्यक्रम है? आपके थ्रू किसानों को जागरूक करता जाता है और गेहूं के खरीदारी का नाम बता दीजिए। रोशन कुमार सर, ये क्या आपका ऐप है और ये क्या सेवा आप दे रहे हैं किसान मेला में, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार तिवारी, मैं हब इंचार्ज हूँ आईटीसी का और ये हम लोग किसानों के लिए एक ऐप डाउनलोड किए हैं जिसमें एग्रीकल्चर संबंधी सारी जानकारियां हैं, मतलब गेहूं उपजाने से लेकर के बेचने तक हर चीज की जानकारी इसके भीतर है। काउंटर नंबर चार पर हम देख रहे हैं कि जे फार्म सर्विसेज के द्वारा जानकारी दी जा रही है, क्या सर्विस दी जा रही है? सर, जे फार्म सर्विस कृषि, नाम बता दीजिए। दीपक कुमार। विपरीत क्षेत्र से कार्य करने वाले कुरनी के विधायक हैं और हसमुख स्वभाव वाले हैं, इनका भी अभिनंदन, इनका भी स्वागत। केदार प्रसाद गुप्ता जी, डॉक्टर विजयेश कुमार जी परासर हॉस्पिटल से हैं और चिकित्सा को इन्होंने सचमुच सेवा का धर्म मानते हुए इस कार्य को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। कौशलेंद्र जी, अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएम टॉपर है, आपको सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति। रजनीश जी वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन, आपका भी पुनः पुनः स्वागत। अर्चना जी को स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। आपका अभिनंदन अविनाश कुमार जी के द्वारा यूं ही समाज में रोशनी से के लिए तालियां भी मुकम्मल नहीं आ पा रही है, उन सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद। अगला भगवान जानकी स्मृति सम्मान से सम्मानित होते हुए आप दूसरों को निरोग रहने का सम्मान देती हैं और इस सम्मान बोध का स्वागत करते हुए ये संस्था आपको सम्मानित करते हुए गौरव से अनुभूत हो रही है। We'll be right back.
अभिनंदन करें। सम्मान हेतु बहुत बहुत बधाई, सम्मान भगवान जानकी स्मृति सम्मान प्रदान करते हुए आयोजक मंडल को हर्ष की अनुभूति हो रही है। पुराने लोग उससे थोड़ा अलग हटने लगते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, हो सकता है हमारी गलती होगी, हमने गलत निर्णय लिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है और मैं उसी त्याग को सोचकर मैं आप समाज का सभी का साथ लेकर, अपने घर परिवार का साथ लेकर, हमारे घर वाले भी नाखुश हो जाते हैं जो मैं इस क्षेत्र में क्यों आ गया, मैंने नौकरी क्यों नहीं किया, मैं उन सारी चीज़ों को झेलते हुए यहाँ तक मैं आया हूँ और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। तो कुछ ही दिन पहले हमने जो एक सरैया किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाया, वो टॉप 5 रैंकिंग में बिहार में आया और वह टॉप 5 रैंकिंग में आने के बाद एक दिन की ही समय मिला और मुंबई से नाबार्ड के महाप्रबंधक महोदय का यहाँ आगमन हो गया, उन्होंने विजिट किया और आटा प्रोसेसिंग यूनिट का उन्होंने भूमि पूजन किया और यहाँ जल्द ही कई ऐसे संस्थान आपको साल दो साल के अंदर जो नींव रखा गया है FPO के द्वारा, MBRI के द्वारा, बड़े बड़े जो कोल्ड चेन सिस्टम है, प्रोसेसिंग यूनिट है, आपके इस क्षेत्र में विकसित होगा और वह भी एक बड़ा कार्य करेगा। आप लोग का सिर्फ आशीर्वाद के हम स्नेह रहेंगे कि आप लोग का बस इसी तरह हमें आशीर्वाद मिले। मैं आप तमाम लोगों का, हमारे किसान बंधु का, खासकर मीडिया बंधु का, जिन्होंने 2012 से लेकर आज तक इस क्षेत्र में लोगों तक हमारी बात को पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका, महती भूमिका निभाई है, आज सबको हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तमाम साथी अपने ग्रामवासियों का, अपने भाई बहन और छोटे बच्चों का, सबका मैं तहे दिल से आज आने के लिए अभिवादन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग इस कार्यक्रम में आए थे, कहाँ आए थे और कुछ बताइए अपना योग प्रशिक्षक संघ की तरफ से। तो राज्य सरकार का कृषि महोत्सव चल रहा है सरैया भटौलिया गांव में, बस उसी को देखने के लिए हम लोग आ गए हैं। योग से रिलेटेड हम लोग हैं, कृषि और योग, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती आपस में अध्यात्म, चूंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा विचार और वैसी स्वास्थ्य और संस्कृति, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि इन सबों का एक साथ एक मंच पर आना अच्छा लग रहा है या? बहुत अच्छा लगा है। सरैया प्रखंड के भटौलिया गाँव में एक आयोजन है कृषि महोत्सव, तभी तक सफल होगी जब शाकाहार को अपनाएंगे और शाकाहार के लिए जैविक खेती और शाकाहार, अधिक से अधिक साग सब्जियों का उत्पादन हो तभी होगा, मांसाहार का सिद्ध करना पड़ेगा। तो योग चिकित्सकों को, योग प्रशिक्षक, हम लोग यहाँ आए हैं ताकि किसानों को भी योग के बारे में जानकारी दे सके और उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि किसान ही सारे आहार के स्रोता है। आप अपना नाम बता दीजिए और कुछ। आशुतोष कुमार। कुछ बताना चाहते हैं बताइए। क्या होता है योगा, कृषि विज्ञान और योगा से दोनों एकत्रित हो? मेरा नाम सलोनी कुमारी, कृषि विज्ञान और योगा दोनों शामिल हो जाने पर और ताकत बढ़े। कैसा लगा इस कैंपस में आकर के, कैसा सीखा? बहुत, पल्लवी कुमारी, बहुत अच्छा लगा और योग से स्वास्थ्य भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या नाम हुआ अपना, कुछ बता दीजिए और कुछ। विकास कुमार बताइए। विकास कुमार, कैसा लगा यहाँ पर और क्या समझ में आया, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगा। योग प्रतिनिधि को इस तरह के कार्यक्रमों में आना चाहिए या समय का बर्बादी होता है इस तरह के कार्यक्रमों में? आना चाहिए, आना चाहिए। संगठित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, संगठित होना चाहिए। मैं ही गुफा में चला जाऊं, ऋषि बन जाऊं, सन्यासी बन के आध्यात्मिक प्रगति कर लूं और वाइस चांसलर बन जाऊं या कोई एक पद पर चला जाऊं, डायरेक्टर, ऐसा ही करना चाहिए संगठन में? सबके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, सब लोग एक साथ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।